साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आकांक्षा दुबे केस में रोजाना नए नए अपडेट मिल रहे हैं। एक तरफ संजय सिंह जमानत की पुरजोर कोशिशों में जुटा है तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पहुंची वाराणसी पुलिस अनुराधा सिंह तक पहुंच गई। अनुराधा को वाराणसी लाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी मगर इससे ठीक पहले अनुराधा सिंह ने फरार होने की कोशिश कर ली, पुलिस को गच्चा देने की कोशिश कर ली लेकिन पुलिस ने भी पीछा छोड़ा नहीं और अनुराधा के पीछे पीछे पहले पुलिस शूटिंग के सेट पर पहुंच गई और इसके बाद अनुराधा की एक सहेली के घर तक पहुंच गई मगर अनुराधा यहां से भी पुलिस के पहुंचने से पहले भाग उठी। मगर वाराणसी पुलिस भी जिद पर आ गई, अनुराधा तक पहुंची गई। तो अनुराधा सिंह को लेकर मुंबई से जो भी अपडेट आ रही है वो सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पिछले 2.5 महीने से अनुराधा सिंह पुलिस को गच्चा दे रही है। 2 बार तलब किए जाने के बाद भी अनुराधा वाराणसी पुलिस के सामने पेश होने आई नहीं और 2.5 महीने से पुलिस अनुराधा से पूछताछ की कोशिश कर रही है मगर ये हो नहीं पा रहा है। पहले तो पुलिस ही ढीला रवैया दिखाती रही, पुलिस ने खुद आरोपियों को फरार होने का मौका दे दिया, ऐसा लगातार आरोप वकीलों की तरफ से लगाया जा रहा है। और जब मामला गंभीर हुआ, यूपी के सीएम का प्रेशर आया तो पुलिस थोड़ी सी अलर्ट हुई मगर फिर भी पुलिस के हाथ अनुराधा सिंह लगी नहीं। अब मधु दुबे ने जब कोर्ट का रुख किया तो तब से पुलिस थोड़ी सी सीरियस हुई और एक टीम बनाकर मुंबई भेजी गई है ताकि अनुराधा सिंह को वाराणसी लाया जा सके और आकांक्षा मामले में पूछताछ की जा सके। अब वाराणसी पुलिस सबसे पहले अनुराधा सिंह जहां किराए पर रहती थी उस एड्रेस पर पहुंची है मगर वहां पर बताया गया कि अनुराधा शूटिंग के लिए गई हुई है तो पुलिस वहां पर भी पहुंची जहां इमली सीरियल की शूटिंग चल रही थी। अब पुलिस का एक दिन तो इसी में खराब हो गया। अब सामने आया है कि जब पुलिस शूटिंग सेट पर पहुंची तो उस वक्त अनुराधा वहां पर नहीं थी। पुलिस को सेट से बताया गया कि इमली शो में पिछले 3 दिन से अनुराधा का एक भी सीन शूट नहीं हुआ। अनुराधा ने अपनी तबीयत खराब होने की इन्फॉर्मेशन दी और 3 दिन से अनुराधा शूटिंग के सेट पर नहीं आई है। पुलिस लगातार अनुराधा का मोबाइल भी ट्राई करती रही लेकिन फोन भी स्विच ऑफ आता रहा। अब पुलिस समझ गई कि अनुराधा बड़ा गेम खेल रही है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जिसके पीछे पड़ जाए तो छोड़ती नहीं है। अब सूत्रों की माने तो पुलिस ने शनिवार को अनुराधा के बारे में और डिटेल निकाली तो सामने आया कि अनुराधा का अपने सहेली के घर जाना हुआ। ज्यादातर अनुराधा अपनी सहेली के घर पर ही नाइट स्टे करती है तो पुलिस दूसरे दिन यानी कि 3 जून को अनुराधा की सहेली के घर भी पहुंच गई। अब सूत्रों के मुताबिक वहां पर काफी देर तक बेल बजाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो इसके बाद पुलिस ने अनुराधा की सहेली को ही फोन कर लिया तो पता चला कि वो तो पिछले 15 दिनों से मुंबई में है ही नहीं और उसे अनुराधा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने अनुराधा की सहेली से पूछा कि और कौन से ठिकाने हैं जहां पर अनुराधा हो सकती है तो सूत्रों के मुताबिक सहेली ने कहा कि उसे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, वो होम टाउन में आई है और किसी करीबी की तबीयत ज्यादा खराब है इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और ये कहकर फोन काट दिया। अब पुलिस समझ गई कि अनुराधा बेहद शातिर है, इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है और पुलिस को लगने लग गया कि जो भी आरोप मधु दुबे ने लगाए हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ दम है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आकांक्षा की माँ मधु दुबे ने समर सिंह संजय सिंह के साथ ही अपनी बेटी के मामले में अनुराधा सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मधु दुबे ने आरोप लगाया कि अनुराधा ने आकांक्षा की जाने के तुरंत बाद जल्दबाजी में बॉडी को जलवा दी और जल्दबाजी में सारे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करवा दी। और मधु दुबे का ये भी आरोप है कि अनुराधा ने आकांक्षा का मोबाइल भी अपने पास रख लिया था और इतना नहीं अनुराधा पर आरोप है कि उसने आकांक्षा के मोबाइल का सारा डाटा भी डिलीट कर दिया था ताकि पुलिस को किसी भी तरह का सबूत ना मिले और ये आरोप लगाया गया लगातार। मधु दुबे ने पुलिस को बताया कि अनुराधा सिंह इस समय स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सीरियल इमली में काम कर रही है। अब सूत्रों के मुताबिक पुलिस पहले मधु दुबे के आरोपों को हल्के में ले रही थी लेकिन जब अनुराधा पुलिस को घुमाने लगी तो पुलिस को समझ में आ गया कि अनुराधा बेहद शातिर है और उसे पकड़ना आसान नहीं है। सामने आया है कि वाराणसी पुलिस की इस टीम को 2 दिन का वक्त मिला था मगर दोनों दिन पुलिस के हाथ अनुराधा नहीं लगी। अब हो सकता है कि पुलिस की टीम को खाली हाथ लौटना पड़े या फिर हो सकता है कि पुलिस की टीम वक्त भी बढ़ाए लेकिन अब पुलिस टीम अपनी रिपोर्ट में अनुराधा की इन सारी हरकतों को बताएगी और हो सकता है कि बकायदा कोर्ट से वारंट लेकर वापस से मुंबई जाए ताकि अनुराधा पुलिस को गच्चा ना दे पाए और अब की बार वाराणसी पुलिस मुंबई पुलिस की भी मदद ले सकती है। तो अनुराधा के शातिर बने पर आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, और आकांक्षा केस में यही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहां तो आकांक्षा के आरोपियों को उम्मीद थी कि हफ्ते भर भी जेल के अंदर नहीं रहेंगे, और कहां अब 2 महीने होने को हैं। समर सिंह और संजय सिंह जेल के अंदर हैं, उनको जमानत मिली नहीं है, और बाकी अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी है। अब इस बीच केस में नया ट्विस्ट आ गया है, और अगले 6 महीने तक समर सिंह और संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जमानत तो क्या किसी और वजह से भी जेल से बाहर कदम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि केस में ऐसा ट्विस्ट आ गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब भगवान भी चाहें तो आकांक्षा के गुनहगारों को जेल से बाहर निकाल नहीं पाएंगे। असल में लंबे समय से वाराणसी में वकीलों की हड़ताल चल रही है। वाराणसी में कोर्ट की शिफ्टिंग हो रही है, और कोर्ट को शहर से बाहर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। अब इसका वकील लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, और इसी वजह से लगातार हड़ताल भी होती रही है। और अब बड़ी सबसे बड़ी खबर ये है कि हड़ताल अब लंबी खींचने जा रही है जी, और इस बार ये हड़ताल 6 महीने तक खींचने की बात कही जा रही है, यानी कि अगले 6 महीने दिसंबर तक हड़ताल खींचने की संभावना है, और उसके बाद तो कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी तो कोर्ट में सुनवाई भी नहीं होगी, क्योंकि बिना वकीलों के सुनवाई संभव ही नहीं है, और सुनवाई नहीं होगी तो फिर केस भी आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही जमानत पर सुनवाई होगी, ना ही जमानत मिलेगी, और ना ही ट्रायल ही चलेगा, ना चार्जशीट फाइल हो पाएगी। यानी कि एक तरह से इसका मतलब समझिए कि भले ही समर सिंह जमानत लेने में कामयाब हो सकता है, लेकिन अगले 6 महीने वो जमानत लेकर भी जाकर भी जेल से बाहर आ नहीं पाएगा। और दूसरी बात, आकांक्षा मामले का ट्रायल भी दौरान नहीं होगा, क्योंकि वकील हड़ताल पर रहेंगे तो ना ही जमानत मिलेगी, ना ट्रायल चलेगा, और ना ही चार्जशीट फाइल हो जाएगी, क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के लिए भी कोर्ट का चलना जरूरी है। कोर्ट में ही चार्जशीट फाइल की जाती है, कोर्ट में ही चार्जशीट में ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि चार्ज किस किस पर है, आरोप किस किस पर है, और किस तरह के आरोप है, और वो आरोप फ्रेम किए जाते हैं, चार्ज किए जाते, ये सब कुछ चार्जशीट के बाद ही होता है। तो फिलहाल तो अपडेट यही है कि चार्जशीट फंस गई, अटक गई है, ट्रायल फंस गया, अटक गया, और सबसे बड़ी बात संजय सिंह समर सिंह की जमानत अटक गई है, उनको चाहकर भी जमानत मिलने वाली नहीं है। अब भले ही समर सिंह खुद को बचाने के लिए तिकड़म भिड़ा रहा हो, लेकिन सच ये है कि मामला अब समर सिंह के लिए पूरी तरह से फंस गया। समर सिंह अगले 6 महीने तक कुछ भी नहीं कर पाएगा, जेल से बाहर आ नहीं पाएगा चाहकर भी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।